एप्पल ने 2022 वाले iPhones लॉन्च कर दिए और अगर आप iPhone 14 लेने की सोच रहे हो मतलब क्योंकि एप्पल ने ऑफिशियली iPhone 13 की प्राइसिंग 70,000 कर दी है, iPhone 12 की प्राइसिंग 60,000 कर दी है और अगर आप कंपेयर करोगे iPhone 13 और 14 के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। सेल्फी कैमरा हल्का सा इंप्रूव हुआ है और कार क्रैश डिटेक्शन वाला फीचर एड हुआ है, दैट्स ऑल, जो मेरे हिसाब से इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। और दूसरी बात, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल्स और अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है और एक्सपेक्टेड है कि iPhone 13 की प्राइसिंग 55,000 तक जाएगी और iPhone 12 की प्राइसिंग 45,000 तक जा सकती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्रेजी गुड डील्स मिल रहे हैं और आप उसका वेट करो। लेकिन iPhone 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स डेफिनेटली वर्थ इट हो सकते हैं। अगर आपको ट्राई करना है तो उसको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। एक चीज और ट्राई कर सकते हो, ये वाला लाइक बटन भाई काम करता है मस्त, और फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।